नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। आज हम बात करने वाले हैं संगीत के इतिहास के प्राग वैदिक काल के बारे में। क्योंकि संगीत का प्राग वैदिक इतिहास मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में संगीत की उत्पत्ति तथा कुछ पुरातात्विक प्रमाणों के बारे में बात करेंगे। प्राग वैदिक काल मनुष्य की शुरुआती अवस्था से लेकर वैदिक काल तक के पहले का काल माना जाता है, अतः इस काल के विषय में लिखित जानकारी नहीं मिलती है। स्वर्गीय डॉक्टर जयदेव सिंह जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत का इतिहास में लिखा है कि आदिकाल में जब शब्द या भाषा का निर्माण नहीं था, तब भी आदि मानव ध्वनि भंगी या ध्वनि विकार से अपने भावों को व्यक्त करता था। इस ध्वनि भंगी का अति प्राचीन नाम स्तोभ या इंटरजेक्शनल क्राई था। विश्व भर में स्तोभ का ध्वनि समान रूप से अहा, हो, हाउ, ओह, हे इत्यादि है। शब्दों के अभाव में पहले पहल इन्हीं स्तोभों में मनुष्य का गान जगत में प्रतिध्वनि हुआ। जयदेव सिंह जी आगे लिखते हैं कि यद्यपि मानव के लिए संगीत नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक है, तथापि संगीत का प्रादुर्भाव एक कला के रूप में आरंभ से ही नहीं हुआ है। भारतीय चिंतकों, ऋषियों, महर्षियों ने वर्षों तपस्या और साधना करके संगीत की ध्वनि और गति का अनुभव किया, जिसे हमारे आचार्यों ने ओंकार ध्वनि कहा है। इसी प्रकार से फ्रायड और जेम्स लॉन्ज का भी मानना है कि संगीत का जन्म स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हुआ है और विकसित हुआ है। इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि संगीत का जन्म दैवी शक्तियों के द्वारा हुआ है। संगीत की उत्पत्ति के विषय में कुछ प्रमुख मतों के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे भी आप देख लीजिए। संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं द्वारा हुई है, इस प्रकार की धारणा विश्व भर में है। यदि हम संगीत के लिए अनेक देशों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को देखें तो ऐसा लगता है कि संगीत दैवी प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। यूनानी भाषा में संगीत के लिए मौसिकी, लैटिन भाषा में मुसिका, फ्रांसीसी भाषा में मुसीक, पुर्तगीज भाषा में मुसिका, जर्मन भाषा में मुसीक, अंग्रेजी भाषा में म्यूजिक, अरबी फारसी में मौसिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों का आधार यूनानी भाषा का शब्द म्यूज है, द इंस्पायरिंग गॉडेस ऑफ सॉन्ग्स यानी कि गान की प्रेरिका देवी। यदि सिर्फ धार्मिक मतों को देखेंगे तो संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से हुई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगीत की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि उसका क्रमिक विकास हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जब किसी वस्तु या वाद्य पर आघात किया जाता है तो उसमें कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि को दो भागों में बांटा जा सकता है, नाद और शोरगुल। नाद ऐसी ध्वनियां हैं जो नियमित और स्थिर होती हैं। शोरगुल ऐसी ध्वनियां होती हैं जो अनियमित होती हैं और अस्थिर होती हैं, जिसको सुनने से दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। नाद में से कुछ खास ध्वनियों को छांटकर संगीत में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। प्रागवैदिक इतिहास के बारे में लिखित जानकारी तो मिलती नहीं है, इसलिए इस काल के संगीत के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है पुरातत्वों के आधार पर। इतिहासकारों का मानना है कि पूर्व पाषाण काल में जब मानव जंगली अवस्था में रहता था तो इन लोगों को पत्थर के प्रयोग का ज्ञान हो गया था। ये पत्थर से औजार आदि बनाते थे। संगीत इस युग में विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन संगीत का प्रयोग आमोद प्रमोद के लिए होता था। पत्थर के दो चौकोर टुकड़े मंजीरे के समान बजाए जाते थे। शिकार पर जाते समय भी संगीत का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के संगीत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। खुदाई में कुछ सीटियां, शंख, मूर्ति और चित्र मिले हैं।
इसके साथ ही कुछ प्राचीन ग्रंथों एवं पुराने शिलालेखों और चित्रों से इस युग के संगीत के बारे में पता चलता है कि इस युग में बांसुरी, वीणा जैसे तंत्र वाद्य तथा चमड़े से बने वाद्यों का प्रयोग होता था। खुदाई में प्राप्त नर्तकियों की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि उस समय के लोग उतने सभ्य और सांस्कृतिक नहीं थे, फिर भी अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग आकार प्रकार के वाद्यों का प्रयोग करते थे और प्रसन्नता के भावों को व्यक्त करने के लिए नृत्य भी करते थे। अतः कहा जा सकता है कि प्राग वैदिक काल में भी उस समय के हिसाब से संगीत का प्रचार प्रसार था। डॉक्टर श्रीधर शरत चंद्र परांजपे जी का कहना है कि तत्कालीन सभ्यता में जो अवशेष पाए गए हैं उनमें कुछ सीटियां और कुछ चित्र ऐसे हैं जिन पर सिंह की आकृति है। सीटी एवं सिंह यानी कि श्रृंग, ये दोनों फूंक से बजने वाले वाद्य हैं। जानवरों के सिंह को फूंक कर बजाने की परंपरा सभी पुरातन सभ्यताओं में पाई जाती है। आदिम जाति के धार्मिक क्रियाकलापों में श्रृंग यानी कि सिंह, शंख जैसे सुशीर वाद्यों का बड़ा महत्व रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।